अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है नवाब जुल्फिकार अली मक्सी। नवाब जुल्फिकार अली मक्सी को झल मक्सी बलोचिस्तान में 28 फरवरी 2008 से 9 जून 2013 तक सूबे बलोचिस्तान के गवर्नर होने का एजाज हासिल है। वो मक्सी कबीले के नवाब और तमंदार थे। साबिक गवर्नर और बलोचिस्तान के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव, एक अहम सियासतदान और साल 1993 से 1996 की बेनजीर भुट्टो हुकूमत में सूबे बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला भी रहे। नवाब को 13 जनवरी 2013 को असलम रईसानी की गैर मकबूल हुकूमत की बरतरफी और गवर्नर राज के नफाज के बाद बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर मुकरर किया गया था। ये जनवरी 2013 के पाकिस्तान में होने वाले बम धमाकों के बाद एक अहम फैसला था। नवाब मक्सी ने अपनी तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल की। वो पहली बार साल 1977 में सियासत में आए जब वो सूबाई असम्बली में अपने आबाई हलके से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कामयाब हुए थे। तहम इनका ख़ानदान पाकिस्तान की आज़ादी से कबल बलोचिस्तान की सियासत में शामिल था। उन्होंने कई सूबाई वजारतों में खिदमात अंजाम दी और साल 1990 की दहाई में वजारत दाखिला में भी काम किया। साल 1993 में इनके इत्तेहाद ने अक्सरियत हासिल की और वो बलोचिस्तान के वजीर आला बन गए। फरवरी 2008 के इंतखाबात में वो दोबारा अपने आबाई हलके पीबी 32 झल मक्सी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और बगैर किसी मुखालफत के जीत गए। 27 फरवरी 2008 को निगरान वजीर आला सरदार मोहम्मद साले भुतानी ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि नवाब मक्सी सूबे बलोचिस्तान के अगले गवर्नर होंगे। 28 फरवरी 2008 को नवाब मक्सी ने गवर्नर हाउस क्वेटा में हल्फ उठाया। तकरीब में उन्होंने बलोचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन, लापता सियासी कारकुनों और सूबे में अमन कायम करने का वादा किया। बुध के रोज 19 मार्च 2008 को नवाब मक्सी ने बलोचिस्तान हुकूमत से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के खिलाफ 128 अरब रुपए का बकाया बिल जारी करने को कहा। आइए अब नवाब जुल्फिकार अली मक्सी के सियासी कैरियर के बारे में जरा तफसील से बात करते हैं। नवाब मक्सी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज साल 1977 में उस वक्त किया जब उन्होंने आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और रुकने सूबाई असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और रुकने सूबाई असम्बली बलोचिस्तान की हैसियत से कामयाब हुए। वो साल 1988 और 90 में दोबारा सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। बिलतरतीब 30 मई 1993 से 19 जुलाई 1993 और 20 अक्टूबर 1993 से 10 नवंबर 1996 तक वो सूबाई असम्बली के रुकन रहे। 1997 के आम इंतखाबात में वो छठी बार सूबाई असम्बली के रुकन के तौर पर कामयाब हुए। उन्होंने 2002 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। उन्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर ने 28 फरवरी 2008 को बलोचिस्तान का गवर्नर मुकरर किया और इसी ही दिन उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। नवाज शरीफ ने मोहम्मद खान अचकज़ई की पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से अगला गवर्नर लाने का ऐलान किया जिसे सदर ने 9 जून 2013 को कबूल कर लिया। ये तो थी जुल्फिकार अली खान मक्सी के सियासी पेशे पर एक नज़र। आइए अब मुख्तसर सी नज़र जुल्फिकार अली खान मक्सी के कबीले पर भी डालते हैं। तारीखी तौर पर मक्सी बलोच कबीले की एक शाख है। मक्सी कबीले के मौजूदा सरदार
जुल्फिकार अली खान मक्सी हैं। वो साबिक वज़ीरे आला बलोचिस्तान और लाशारी कबीले के सरदार सरदार जलाल खान लाशारी हैं। हर साल जल मक्सी डेजर्ट रेस के तौर पर डेजर्ट कार रैली का एहतमाम किया जाता है। पाकिस्तान भर से रेसर्स हिस्सा लेते हैं। इस तकरीब में बहुत से गैर मुल्की शायकीन भी शिरकत करते हैं। ये शहर कदीम मुकामात और सियाहती मुकामात के लिए भी जाना जाता है, जिसे पीर चटेर शाह नूरानी, बलूचिस्तान का ताज महल, मोती मीर गोहराम लाशारी की बीवी थी जिनके नाम से मंसूब मोती गोहराम लाशारी का मकबरा है, दरियाए मौला, पीर लखा और मजीद कई मुकामात शामिल हैं। मक्सी कबीले का शुमार बलूचिस्तान के अहम तरीन कबाइल में से होता है। ये कबीला पाकिस्तान में ईरान से हिजरत करके आया और बलूचिस्तान में बस गया। उन्होंने लाशारी और रिंद कबाइल के साथ पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। यही वजह है कि बाज़ मौरिखीन इन्हें लाशारी कबीले की एक शाख कहते हैं। मक्सी की असल का ताल्लुक भी जामोटो से है। ईरान के सूबे बलूचिस्तान में उन्हें मक्सी बलोच कहा जाता है। मौरिखीन ने बलोचों को तीन कबीलों में तकसीम किया, रिंद की औलाद में बुगटी, लगारी, मजारी शामिल हैं। लाशार की औलाद में मक्सी, लाशारी और दीगर कबाइल शामिल हैं। खोसा और इमरानी ये तीसरे कबाइल का हिस्सा हैं। बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और खलीज ममालिक में बसने वाले बलोच इन्हीं तीन कबाइल में मुनकसिम हैं। बाद में उनकी बहुत सी ज़ीली इकसाम भी बनी, लेकिन मक्सी कबीले का ताल्लुक लाशारी कबीले से ही है। जुल्फिकार अली खान मक्सी इसी मक्सी कबीले के मौजूदा सरदार हैं। तो नाजरीन, ये थी जुल्फिकार अली खान मक्सी की ज़िंदगी पर एक नज़र और उनके कबीले की मुख्तसर सी तारीख। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर कर सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।